थोड़ी बीच में तो गिराना था गाड़ी। नहीं जी वो तुम पहले नहीं है, बहुत लोगों का होगा यहाँ पे। लाइटा नहीं है, लाइटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। असल में दिए हमने इनको, मगर इन्होंने क्या है कान पे जूने लग रहे हैं। पहलवान की हाउस और रस्ते पर एक गाड़ी जो फोर व्हीलर जो गाड़ी है नीचे खड्डे में गिर गई। जो बीएनसी का जो काम रुका हुआ है उसके वजह से गाड़ी फोर व्हीलर गिर गई और ट्रैफिक बहुत हो चुका है। अभी रात के 12 बज रहे हैं, बारिश का पानी गिरने के वजह से पूरा यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया। अभी ये जो वीडियो है आप सब लोग देखिए, नांदेड़ के पूरे लोग देखिए। ये प्रभाग क्रमांक 13 और ये मदीना नगर जो रोड है बेगुल नाके से लेकर पहलवान की हाउस का जो चौरस्ता है वहाँ तक का रोड पूरा खराब हो गया है। बीच में कहीं खोद के रखा हुआ है और कहीं बनाया हुआ है, इसके वजह से पूरी आम जनता को तकलीफ बहुत हो रही है रास्ते से। जिस तरह बताया जाता दलित मुस्लिम काफ़ी संख्या में रहते हैं और जानबूझ के काम को रोका गया, क्यों तो काम तो 6 महीने के ऊपर अरसा बीत गया चालू होकर। यहाँ पर मुनीर भाई, यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम और दलित समाज के लोग सब रहते हैं, यहाँ पर सब एक साथ मिलकर रहते हैं, मगर इस प्रभाव में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ चुके हैं। जैसे नाली का काम हो गया, रोड का काम हो गया, आप देख रहे हैं कि 3 महीने से काम बंद पड़ा हुआ है। ये काम बीएनसी से काम पास होने वाला है, मगर थोड़ा यहाँ पे एक जगह रुक गया है, नाले के पास एक जगह रुक गया हुआ है काम, और दूसरा देवू नाके जो चौरस्ता है वहाँ पे काम रुका हुआ है, इसके वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। जिस तरह लोक प्रतिनिधि है वो आगे नहीं आ रहे और जनता को तकलीफ हो रही, उन्होंने भी कोई कदम नहीं ठोस उठाया, आम जनता ही कदम उठा रही, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, जनता को तकलीफ हो रही इसलिए जनता कदम उठा रही है। पिछले 2 महीने पहले आपने भी मीडिया में न्यूज़ बना के डाली थी, तो थोड़ा रास्ते का काम हुआ, आधा रास्ते का काम हुआ, आधा रुक गया, जो आधा जो बाकी काम है वो होगा बोल के आश्वासन दिए थे, वो काम अभी तक हुआ नहीं। अभी क्या उम्मीद करेंगे आप प्रशासन? अभी हम तो बस ये उम्मीद रखते हैं कि काम जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर ये काम अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ की जो जनता है प्रभाग क्रमांक 13 मदीना नगर, यहाँ की जो जनता है धरना आंदोलन करेगी। जूनागंज पहलवान के होटल के सामने एक 2 साइड का रोड जो है काम कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन इस काम को जो है किसी कारण रोक दिया गया। इसके अंदर 1 साइड का जो ब्लॉक है 12 से 15 फीट का जो रास्ता है, ये जो गड़ा मुकम्मल करने के लिए हमने जो है ऑलरेडी एक महानगर पालिका को 1 महीना पहले निवेदन दिया था। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमें जो है हम ये लोग जो भी है काम जो है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करके दे देंगे। उसके बाद मैंने जो है यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो इंजीनियर था, उससे भी बात की। उसके बावजूद उसने बोला मेरे को कि सर मैं 2 या 4 दिन के बाद यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ, और यहाँ की मैंने वीडियोस बना के उसको पर्सनली जो है व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था। तो उसके बावजूद भी जो है इसका मुद्दे का हल नहीं हुआ, क्यों? तो यहाँ पर देगलू नाके से लेकर जूनागंज के इलाके तक के कोई एक लाइट भी नहीं है, और इस तरह से जो प्रशासन बता रही है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं और जो है तो हम तुम्हारा समाधान निकालेंगे, तो कब निकालेंगे? क्या अभी यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है अभी इलेक्शन का टाइम है और यहाँ पर जो है कोई अभी नगर सेवक नहीं है रनिंग में, उसके बावजूद यहाँ पर जो है इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? क्या जैसा कि आप सबको पता है देगलू नाके के ऊपर जो है एक एक्सीडेंट हुआ था आज से 1 साल पहले, क्यों? तो वहाँ पर रोड बनी हुई नहीं थी। उसके बाद प्रशासन ने क्या किया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिन लोगों का जो है तो वहाँ पर मौत हुई है, उसके बाद उन्होंने जो है तो वहाँ पर रोड का काम किया। तो क्या प्रशासन यही चाह रही है कि यहाँ पर भी किसी की जो है खुदा ना करे कि किसी के एक्सीडेंट हो, किसी की मौत हो? तो उनसे मैं जो है और एक मरतबा ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि जितना जल्द हो सके यहाँ के रोड का काम जो है करके दिया जाए, ताकि आवाम को और लोगों को जो है इसकी परेशानी ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी की जानिब से क्या कदम उठाया जाएगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हम एक मीटिंग लगाएंगे और उसके अंदर जो हमारे सदर जो भी तय करेंगे उसके हिसाब से, चाहे धरना आंदोलन हो या जो भी हो, ऑपोजिशन हम करने के लिए तैयार हैं।
नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिजाइनर और कम रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्विंस डिजाइनर एंड एम्पोरियम बाबा पेट्रोल पंप के करीब बरकत कॉम्प्लेक्स रोड नांदेड़। यहां पर गरारा, लांचा, फ्रॉक, शरारा, स्पेशल सूट, गौन वगैरह नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहां पर बड़े शहरों से हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तियाब है। एक बार जरूर तशरीफ लाए प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। नांदेड़ शहर का भरोसामंद किड्स मॉल ब्रांडेड कलेक्शन में अलग अलग डिजाइनर के खूबसूरत कपड़े नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। इस मॉल की खासियत जिसमें 4 साल के बच्चों से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए खूबसूरत डिजाइनिंग के कपड़े दस्तियाब है। हमारे यहाँ टी शर्ट, जीन्स, फ्रॉक, सदरी, पठानी के अलावा तमाम किट्स नहायत ही कम कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता इकरा उर्दू स्कूल, देगलू नाका रोड, नांदेड़।